नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि ग्राम विकास अधिकारी के प्री की डेट बहुत नजदीक आ चुकी है, ऐसे में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की कला और संस्कृति और भारतीय इतिहास के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोगों को एक बार के लिए पुनः जल्दी से रिवीजन करने हैं, उन टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या टॉपिक अब एग्जाम के निकट हम पढ़े, जिससे हमें जो अपने हिस्ट्री और कल्चर के लगभग 20 प्रश्नों का एक टारगेट रहता है, 20 प्रश्नों का लगभग क्राइटेरिया रहता है, उसको हम कवर कर पाए। ऐसे में राजस्थान की कला और संस्कृति को आप लोगों को ज्यादा वेटेज देना, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले कंटिन्यू खूब सारे एग्जाम में हिस्ट्री और कला और संस्कृति की अगर हम कंपैरिजन देखें तो आर्ट एंड कल्चर की ज्यादा संभावना रहती है, कला और संस्कृति के प्रश्न भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा भी ये टारगेट इस एग्जाम के लिए भी ये होना चाहिए कि कला और संस्कृति के जो मुख्य मुख्य टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, राजस्थान की प्रमुख कवि, इसके अलावा आपके राजस्थान की जनजातियां और उनकी आर्थिक व्यवस्था, जनजातियों से जुड़ी हुई एक एक बातें आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के मेले और त्योहार, जिसमें आपके मुख्य मुख्य त्योहारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, पशु मेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यू ऐसा दो पेपर आपने देखा होगा, सब इंस्पेक्टर का पेपर, अभी रीट का पेपर, जिसमें पशु मेले जो खूब पूछे जा रहे हैं, तो पशुओं के मेले आपको पता होना चाहिए, त्योहारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, त्योहारों का एक प्रश्न लगभग पूछने की पूरी संभावना रहती है, कोई सा भी त्योहार आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो वो त्योहारों की तिथियां आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान की हस्तशिल्प, जिसमें आपके हस्तकलाएं आपको पता होना चाहिए कि ब्लू पॉटरी क्या है, टेराकोटा क्या है, मीनाकारी क्या है, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कोई से भी कलाकार का नाम दे दिया जाए और वो कलाकार आपको पूछा जाएगा कि संबंधित कलाकार का संबंध कौन सी कला से है, तो वो हम सब पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके राजस्थान के रीति रिवाज और रूढ़ियां, स्पेशली यहाँ से राजस्थान की परंपराओं से जुड़े हुए, रूढ़ियों से जुड़े हुए एक दो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, परिधान, जो अपने राजस्थान की महिलाओं के आभूषण है उससे जुड़े हुए खूब बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कोई भी आभूषण का नाम दे दिया जाता है। राजस्थान की वेशभूषा, पुरुषों की कोई पगड़ी पूछ ली जाए, जैसे एसआई में पूछा गया, तो हो सकता है कि आपके भी कोई पगड़ी का प्रश्न पूछ लिया जाए। राजस्थान के पुरुषों की वेशभूषा, जनजातीय पुरुषों की, महिलाओं की वेशभूषा जो है स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके एक लोकगीत और संगीत का पार्ट जो कि आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है, जिसमें आपके लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और विभिन्न कोई गाने बजाने वाली जातियां हैं, संगीत प्रेमी जातियां, उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये स्पेशली आप कल्चर में मोटा मोटा कवर कर सकते हो। हिस्ट्री में भी आपके राजस्थान की हिस्ट्री की बेसिक बेसिक बातें, राजस्थान के प्रमुख स्मारक, सभ्यताएं, मुख्य मुख्य राजवंशों के बारे में बेसिक बातें जल्दी